स्वागत है सभी दर्शकों का गिरौला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से है, जहाँ ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा किसान अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से नीचे गिरने के बाद रोटावेटर में फंसने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर भेला गांव निवासी उमर पुत्र अशरफ शनिवार शाम को ट्रैक्टर से खेत की जुताई करवा रहे थे, तभी ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर के पीछे रोटावेटर जोड़ रखा था जिससे खेत की जुताई की जा रही थी। इसी दौरान मोहम्मद उमर भी ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे, तभी अचानक जुताई करते समय झटका लगा और मोहम्मद उमर अपना संतुलन खो बैठे और उमर ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की ओर नीचे गिर गए, जिससे वह रोटावेटर में फंसकर कटकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के काफ़ी ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, वहीं परिजनों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रोटावेटर में फंसे शव को किसी तरीके से बाहर निकाला और पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया। आपको बता दें कि रोटावेटर में फंसने की वजह से किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। किसान के शरीर के कई टुकड़े हो गए हैं, जिससे वहां पर देखने वाले ग्रामीणों की रूह तक कांप गई है। इस तरीके का मंजर आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा कि शरीर के इतने टुकड़े हुए कि गिनना भी मुश्किल हो गया। तो ये बहुत ही दर्दनाक खबर श्रावस्ती जनपद से रही, जहां पर किसान की रोटावेटर में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई है। गिलौला श्रावस्ती न्यूज चैनल आपसे यह अपील करता है कि अगर आप लोग अपने खेतों की जुताई करवाते हैं तो कृपया करके सिर्फ चालक को ही ट्रैक्टर पर बैठने दे और जुताई करते समय उसके साथ आप कदापि ना बैठे, नहीं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो कृपया आप लोग सावधान रहें, सावधानियां बरतें और सतर्क रहें ताकि इस तरीके का हादसा श्रावस्ती जनपद में फिर से देखने को ना मिले। मुझे जानकारी ये मिली थी कि गेहूँ बोने गए थे तो ट्रैक्टर यानी खेत गोड़ रहे थे और खेत गोड़ने के बाद में जो है खेत गोड़ रहे थे, ऊपर से लाइट नहीं जलाया, कुछ भी नहीं जलाया, उठा ऊपर से चढ़ा दिया तो कहीं आधी बॉडी उनकी घर पे मिली, आधी बॉडी खेत में मिली। अब अल्लाह बेहतर जाने कौन मारा कौन नहीं मारा। आधी बॉडी कहाँ मिली उनकी? उसके घर में, उसके खेत में मिली। जोताई आलू का खेत था, उसमें गया था, फिर जब यहाँ से काट के गया वहाँ गबड़ने लगा कितने इनकी मांस हड्डी सब निकल जाए। अच्छा, तो यह है ड्राइवर है कहाँ? ड्राइवर फरार है, मतलब आया नहीं, नहीं आया। तो क्या लगता है आप लोगों को कि आपके जो पिताजी हैं वो गिर गए हैं कि उनके साथ में कोई आपराधिक घटना घटी है? आपराधिक घटना घटी है। अच्छा, हाँ। क्या करने गए थे खेत में? सर नहीं घटी होती तो वो हमारे खेत में रहता, अपने खेत में नहीं जाता, हड्डी हड्डी पसली उसका निकालने के लिए जाता है, तो आपराधिक है। अभी फिलहाल बॉडी आई है कि सिर्फ मांस का टुकड़ा आया है जी? क्या लेकर आए हैं आप लोग यहाँ पर? अब वो तो जो भाई मांस मांस लाए, हड्डी तो आई नहीं। अच्छा, पुलिस में एप्लीकेशन आप लोगों ने दिया? अभी नहीं दिया। देंगे, देंगे। क्या कहना चाहते हैं? मट्टी देने के बाद में उसका एप्लीकेशन मैं देंगे। ठीक ठीक। आपके पिताजी की मौत हो गई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कैसे क्या हुआ है? हमने ये कहना चाहते हैं कि जैसे खेत में वो जो है जुताई कराने गए थे तो खेत गोड़ रहे थे, वो पीछे से ला के मारा ठोकर, वो आगे दांव गिर गए, ऊपर से चढ़ा दिया। अच्छा, वहाँ गाँव में ये बात उठ रही है कि वो ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे जी, बताइए क्या कहना चाहिए? उसकी औरत और बेकारू की औरत दोनों ने देखा। क्या देखा उनको? यानी